भाकपा माले एपबा और इंसाफ मंच के संयुक्त बैनर तले आईजी के समक्ष न्याय की मांग को लेकर के घंटों प्रदर्शन किया गया लहरियासराय में, जिसमें सैकड़ों महिला नौजवान सहित लोगों ने भाग लिया। लहरियासराय में आईजी कार्यालय के समक्ष न्याय की मांग को लेकर के भाकपा माले इंसाफ मंच और एपबा के कार्यकर्ताओं सहित अन्य लोगों ने घंटों प्रदर्शन किया, जिसमें सैकड़ों महिला छात्र नौजवान नागरिक लोग शामिल हुए। समस्तीपुर के आधारपुर में मॉब लिंचिंग की न्यायिक जांच कराने, मॉब लिंचिंग की शिकार पीड़ितों को न्याय व सुरक्षा दिलाने की मांग को लेकर के आज यह कार्यक्रम किया गया, जहां महानिरीक्षक के समक्ष एक दिवसीय सत्याग्रह के तहत मुंह पर काला पट्टी बांध कर विरोध व्यक्त किया गया। इस दौरान सत्याग्रह का नेतृत्व भाकपा माले के मिथिलांचल प्रभारी व पोलित ब्यूरो सदस्य धीरेन्द्र झा, इंसाफ मंच के प्रदेश उपाध्यक्ष नियाज अहमद, दरभंगा एपबा के जिला सचिव सनिचरी देवी, अध्यक्ष साधना सिंह, समस्तीपुर एपबा के जिलाध्यक्ष वंदना सिंह, समस्तीपुर इंसाफ मंच के जिला सचिव खुर्शीद खैर कर रहे थे। देखिए, ताजपुर के आधारपुर पंचायत में मिथिलांचल को शर्मसार करने वाली घटना घटी। भीड़ हिंसा में, मॉब लिंचिंग में एक महिला को, महिला शिक्षिका को नंगा करके घंटों के ये सड़कों पर दौरा दौरा करके पीट पीट करके मार दिया गया। एक और नौजवान अनवर को पीट करके मार दिया गया। तीन तीन बच्चियों को उसको यौन प्रताड़ना झेलनी पड़ी और मॉब की हिंसा झेलनी पड़ी। इतनी बड़ी घटना हुई है ताजपुर में। 282/21 थाना कांड संख्या है ताजपुर का, लेकिन अभी तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। और इसको लेकर के जब हम लोग न्यायसंगत ढंग से अपनी बात को रखने के लिए यहां आईजी कार्यालय के समक्ष इंसाफ मंच के आह्वान पर, महिला संगठन एपवा के आह्वान पर आईजी के सामने फरियाद रखने का कार्यक्रम रखा गया था, मांग पत्र रखने का कार्यक्रम रखा गया था, तो जो लड़कियां वहां अपने घर से चली थीं, उन लड़कियों को पूसा में बाजबरदस्ती बिहार सरकार की पुलिस ने रोक दिया है। अर्थात अब फरियाद की भी जगह नीतीश जी के राज में नहीं है। हत्या होगी, हिंसा होगी बर्बर तरीके से, भीड़ हिंसा में लोगों का जान लिया जाएगा, लेकिन अपनी बात कहने का भी अधिकार अब इस सरकार में नहीं है। उन लड़कियों को बैरंग घर लौटा दिया गया है, वो आईजी के सामने उनको आने नहीं दिया गया है। मैं तो मानता हूँ कि बिहार की यह पहली घटना है जब किसी पीड़ित समुदाय को अपनी बात रखने से रोक दिया गया है। तो इसके खिलाफ हम लोगों का आज यहाँ सत्याग्रह का कार्यक्रम है। शांतिपूर्वक अपनी मांगों को लेकर के कतारबद्ध होकर के कोरोना के नियमों का पालन करते हुए दो दो तीन तीन फीट की दूरी पर खड़े होकर के इस बात को आईजी के सामने रखी। 282/21 जो ताजपुर हत्याकांड है, मॉब लिंचिंग का जो कांड है, वीर हिंसा का जो कांड है, उनके तमाम आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। मेरे ख्याल से 21 तारीख की घटना है और 21 की सुबह में एक श्रवण राय की हत्या होती है। श्रवण राय की हत्या भी जघन्य है और जिस किसी ने उसकी हत्या की उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हम सब लोग यहाँ हैं और आईजी साहब से मांग हम करने के लिए आए हैं कि तमाम आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार किया जाए। यदि यहाँ आईजी के यहाँ से नहीं मिलेगा तब हम इस आवाज को मुख्यमंत्री के दरबार तक ले जाएंगे, कहाँ तक ले जाएंगे। हम लोकतंत्र में असभ्यता का खेल। धीरेन्द्र झा, भाकपा माले, पॉलिटब्यूरो के सदस्य।